जब हिंदुस्तान में पीने का पानी हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुसलमान के लिए अलग नहीं है, जो होटल में रोटी खाते हैं वो होटल हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुसलमान के लिए अलग नहीं है, के जब हम जो फ्लाइट में सफ़र करते हैं वो हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुसलमान के लिए अलग नहीं है, जो हम रेल में सफ़र करते हैं उसका प्लेटफॉर्म हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुसलमान के लिए अलग नहीं है, फिर ये दूरियाँ क्यों? दोस्तों, अगर हमें हिंदुस्तान को आबाद करना है तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन इन माइंड पावर। माय नेम इज़ अहमद अली, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान के 135 करोड़ की आवाम को दिल से एक मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों, जब मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी इकट्ठा होती है तो ईंट बनती है, जब मिट्टी इकट्ठा होती है तो ईंट बनती है, जब ईंट इकट्ठा होती है तो दीवार बनती है, जब दीवारें इकट्ठा होती है तो घर बनते हैं, जब घर इकट्ठा होते हैं तो मोहल्ला बनता है, जब मोहल्ला इकट्ठा होता है तो शहर बनता है, जब ये बेजुबान इकट्ठा हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, जब ये बेजुबान इकट्ठा हो सकते हैं तो हिंदू मुसलमान क्यों इकट्ठा नहीं हो सकते, जब ये बेजुबान इकट्ठा हो सकते हैं तो बरेली और देवबंदी क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते, सुन्नी शिया क्यों इकट्ठा नहीं हो सकते। दोस्तों, जब हिंदुस्तान में पीने का पानी हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुसलमान के लिए अलग नहीं है, जो होटल में रोटी खाते हैं वो होटल हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुसलमान के लिए अलग नहीं है, के जब हम जो फ्लाइट में सफ़र करते हैं वो हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुसलमान के लिए अलग नहीं है, जो हम रेल में सफ़र करते हैं उसका प्लेटफॉर्म हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुसलमान के लिए अलग नहीं है, फिर ये दूरियाँ क्यों? दोस्तों, अगर हमें हिंदुस्तान को आबाद करना है तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें मिलके रहना पड़ेगा। मेरी जो नॉलेज है सबको देना चाहता हूँ मैं, तमाम हिंदू ब्रदर्स को, तमाम मुस्लिम ब्रदर्स को, तमाम रिलीजन्स के ब्रदर को, के चिराग जलाता चलूँ राह में, चाहे घर वो दोस्त का हो या दुश्मन का हो, रोशन करता चलूँ सारे शहर को। वैसे ही दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, हमें एकजुट मिलकर रहना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान, ना शिया ना सुन्नी, ना देवबंदी ना बरेली, हमें एकजुट होने का रहना चाहिए। हम वो सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, प्राउड टू बी एन इंडियन। जय भारत, जय हिंद।